इस धनतेरस ये छह राशि वाले भूल से भी ना खरीदे सोने के जेवर, वरना हो सकती है बड़ी अनहोनी। शब्द धनतेरस दो संस्कृत शब्दों से बना है। धन का मतलब धन है और तेरस का अर्थ हिंदू कैलेंडर के अनुसार 13वें दिन से है। धनतेरस को दिवाली, रोशनी के त्योहार से 2 दिन पहले मनाया जाता है। धनतेरस के दिन पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दिन धन और आरोग्य के लिए मां लक्ष्मी के साथ भगवान धन्वंतरी और कुबेर की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से इस दिन सोने और चांदी की चीजें खरीदना शुभ मानते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन सोने और चांदी की चीजें खरीदने से घर में लक्ष्मी हमेशा निवास करती हैं और घर में सुख समृद्धि और धन की कमी नहीं होती, इसलिए घर में इस दिन हमेशा कोई नई चीज लानी चाहिए। धनतेरस के दिन पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दिन सोना और चांदी जैसी धातुओं को खरीदना अच्छा माना जाता है। इस मौके पर लोग धन की वर्षा के लिए नए बर्तन और आभूषण खरीदते हैं। ऐसी मान्यता है कि धातु नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करती है, यहाँ तक कि धातु से आने वाली तरंगे भी थेराप्यूटिक प्रभाव पैदा करती है। इसलिए धनतेरस पर सोना और चांदी खरीदन परंपरा सदियों से चली आ रही है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार प्रत्येक धातु हमारे ऊपर प्रभाव करती है, क्योंकि यह सब सौर मंडल में मौजूद ग्रहों का खेल है। हर धातु का एक खास ग्रह से कनेक्शन होता है। ये ग्रह उस धातु को अपने अनुसार प्रभावित करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सोना सभी ग्रहों से जुड़ा होता है, लेकिन बृहस्पति से इसका सीधा संबंध होता है। इसलिए इसे पहनना जहां समृद्धि का प्रतीक है, वहीं यह आपका भाग्य वृद्धि कर समृद्धि बढ़ाता भी है। इसके साथ ही यदि सोना जिन लोगों के लिए शुभ नहीं होता, उन्हें बिल्कुल भी सोना नहीं धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे उन पर दुष्प्रभाव पड़ता है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि किन राशियों के लिए सोना शुभ होता है और किन के लिए नहीं। आज हम आपको इसी विषय में जानकारी देने जा रहा है कि धनतेरस वाले दिन किन राशियों के लिए सोना खरीदना शुभ होगा, तो वही किन के लिए सोना खरीदना नुकसानदायक साबित हो सकता है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि, कर्क राशि, सिंह राशि और धनु राशि के जातकों की, जिन्हें धनतेरस के दिन सोना खरीदना अत्यंत लाभकारी माना जाता है और इसीलिए इस दिन इन्हें सोने की कोई भी वस्तु अपने शक्ति अनुसार अवश्य खरीदना चाहिए। इसके अलावा वृष राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि, तुला राशि, मकर राशि और कुंभ राशि वालों के लिए सोना उत्तम नहीं होता है, इसीलिए इन्हें धनतेरस पर सोना खरीदने से बचना चाहिए। और यदि इस दिन ये सोना खरीदते हैं तो इससे आपको नुकसान होने की संभावना बनी रहती है, इसीलिए आपको धनतेरस पर सोना के बजाय किसी और धातु की चीज खरीदनी चाहिए। सोना समृद्धि और संपन्नता का प्रतीक माना जाता है, लेकिन इसके रखरखाव के बारे में कम ही लोगों को पता होता है। सोने का इस्तेमाल न होने पर भी इसे सही जगह पर रखने से बरकत बनी रहती है। ज्योतिषियों के मुताबिक सोने को आप कहां और किस स्थान पर रखते हैं, यह भी मायने रखता है। आमतौर पर लोग सोना तिजोरी में रखते हैं। सोने को लाल कपड़े या लाल रंग के कागज में लपेट कर रखना चाहिए। सोने को सिरहाने ना रखें, नहीं तो नींद की समस्या हो सकती है। सोने के साथ नकली आभूषण या लोहा नहीं रखना चाहिए। सोना घर के पूर्वोत्तर, ईशान या दक्षिण पश्चिम, नैऋत्य कोण में ही रखें। इन बातों को ध्यान में रखने से आपकी संपत्ति में इजाफा होगा।